पे स्टॉप कर देती हूँ। अपन मिलेंगे अब अगली वीडियो में। मैं तो दोस्तों इसमें थोड़ी मछली आ गई है, बाकी तो इधर है, देख सकते हैं बहुत सारी मछली है, छोटी छोटी है। लेकिन देखो भाई इसके हाथ में एक बच्चा भी आ गया है, देखो छोटा वाला। रुको मैं निकालता हूँ, पूरा पानी चला गया। तो गाइस देखिए आ रही नहीं उसके हाथ में, वो मछली है फिसल रही है। आ गई आ गई, देखो देख सकते हैं दोस्तों आप, आ गई है इसके हाथ में। देखो भाग रही है बहुत, जल्दी डाल उसमें। तो दोस्तों मैं भी ट्राई करूंगी आप। तो गाइस हम कंटिया डाल रहे हैं इसमें, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे बच्चे भी है दोस्तों मछली के, तो देख सकते हैं आप एक मछली आ गई, भाग भी गई। देखिए ये मछलियाँ, ये गंदा पानी है, ये निकाल के इसमें डाल रहा है। मेरे भाई ने मछलियाँ डाली है कि नहीं, तो चलिए दोस्तों हम अब देखेंगे मछलियों की ओर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों आप, हाँ पारिजात तक का है ये, और ये आप देख रहे होंगे कद्दू का है। तो दोस्तों जामुन का है, और ये जासवंद का है, ये कड़ू बादाम वगैरह है, करेले का देख सकते हैं आप, ये सब करेले का ही है यार। आप दोस्तों इधर भी है, यहाँ पे फूल का पेड़ है, यहाँ पे अब तो कलियाँ लगनी शुरू हो गई है दोस्तों, देख सकते हैं आप एक कली लगी है, ये यहाँ पे भी लगे है। ये उसी तरफ कद्दू का भी पेड़ है, तो ये बादाम का है पेड़। तो अब इतना ही हो चुका है, ये देख सकते हैं आप, और यहाँ पे कुछ झंडू के लगन का भी पेड़ है, तो देख सकते हैं आप ये बैंगन का, यहाँ पे एक छोटा सा बैंगन लगा है, और यहाँ पे भी एक बड़ा है, देख सकते हैं यार आप। तो चलिए हम करेले की बेल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बरबटी की फलियाँ है, फलियाँ तो बहुत सारी है, लेकिन अभी छोटे छोटे बड़े बड़े भी है, और ये लाजाड़ू का है, तो इसको हम हाथ लगाते ही ये पूरा ये हो जाता है, देख सकते हैं आप। तो हम अब फली की तरफ जाए।